प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को इंदौर आए और इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की। इसके साथ ही भाजपा कार्यालय जाकर बैठक ली। बैठक के बाद वो सपत्नी 56 दुकान पहुंचे और व्यंजनों का लुत्फ भी लिया। इसके बाद वे लालबाग में चल रहे मालवा उत्सव में पहुंचे और वहाँ नगाड़ा बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री रात को पत्नी के साथ 56 दुकान पहुंचे तो लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने यहां एक दुकान पर पाव भाजी खाई और उस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, मनोज पटेल, सावन सोनकर आदि थे। ये वे करीब आधे घंटे तक रुके और इस दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन किया और फिर लालबाग के लिए रवाना हुए तो लोग उनकी फोटो और वीडियो लेने के लिए काफी संख्या में जमा हो गए। इस पर उन्होंने कार में ही खड़े खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और रवाना हो गए। इसके बाद वे लालबाग में आयोजित मालवा उत्सव पहुंचे और नगाड़ा बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उपस्थिति में भाजपा नगर और ग्रामीण की संयुक्त बैठक हुई और इसमें आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नगर और ग्रामीण के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इंदौर के कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका नहीं छोड़ सकते। इंदौर के विकास में भाजपा का महत्वपूर्ण योगदान है और सभी कार्यकर्ताओं को आगे संकल्प लेना है कि इंदौर और भाजपा का स्थान बना रहे। उन्होंने हर वार्ड में केंद्र एवं राज्य की सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मेलन करने को कहा है।